जिस तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन किसी टेस्ट में नहीं मिलता आपको, मगर बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और एक उसकी जिंदगी नहीं, सारा घराना और खानदान बेचारा परेशान होता है, और अगर वो बढ़ जाए उसके साथ एंगर ऐड हो जाता है और वो एग्रेसिव हो जाए डिप्रेशन, तो दौरे शुरू हो जाते हैं दौरे, और वो अगर कंडीशन हो तो फिर तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और उससे फिर पीरों और मौलवियों और आमिलों का कारोबार चमक उठता है, उससे जिन्नात आ जाते हैं। अल्लाह ने हरेक को रिज्क देना है ना, उस गरीब को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, आमिल के पास चला गया, उसने जिन्नात दाखिल कर दी। वैनकूवर में कनाडा में एक बच्चे के साथ, एक जवान आदमी है, उस बेचारे के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो वो चलते 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 कोई आमिलों के पास जाता जाता तो फिर हिंदू पंडितों के पास चला गया। हर तरफ से जवाब हो गया ना, हर एक ने कन्फर्म कर दिया कि हैं जिन्नात, मगर बड़े ताकतवर हैं, मुझसे निकलते नहीं, तो किसी और पावरफुल आमिल के पास जाए। वो हिंदू पंडितों के पास चला गया, उसने उसके $40,000 उससे फीस ले ली, बटोर लिए, और $40,000 खा के उसको, ये मैं जो वाकया सुना रहा हूँ ऐसे बतौर वाकया नहीं, आप सबके भले के लिए सुना रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इसलिए इस बात को समझें, आपकी रहनुमाई के लिए बतौर वाकया मैं वाकया नहीं सुना रहा, ताकि बिलवास्ता समझ आ जाए, शऊर नसीब हो। $40,000 जब खा लिए तो उस बेचारे को तो फर्क नहीं पड़ा, वो गए, अब क्या, उसने कहा 5 जिन्नात थे तुम्हारे अंदर, 2 निकले हैं, अभी 3 और रहते हैं, उन पर कितना खर्च आएगा, उसने पा के चूंकि 3 और हैं, $60,000 और खर्च आएगा। उस वक्त किसी समझदार बंदे ने उसे मेरे पास भेज दिया, वो टोरंटो आ गया। मैंने कहा 2 दिन मेरे पास रहो, 2 दिन रहा, वो मुझे कहे आप दम कर दे, मैंने कहा दम कर दूंगा मगर दम की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने की जरूरत है, मैं 2 दिन समझाता हूं। एक दिन नशिस्त मिली को घंटा, फिर दूसरे दिन, चले परेशान हाल थे पुराने मिलने वाले, उसको समझाया कि आपको डिप्रेशन है, भाई यही चीज समझाने में टाइम लगा, उसको सारी मिसालें दी, जब उसको समझ आ गई सारी 100%, फिर मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, उनका कि इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैंने कहा मैं आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी लिख के दे सकता हूँ, मगर उससे आपको मेडिकल स्टोर से फार्मेसी से मिलेगी नहीं मेडिसिन, ज़रूरी है कि एक फैमिली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे और फिर मिल जाएगी मेडिसिन। तो मैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी जानता हूँ, पाकिस्तान हो तो लोगों को मैं कहता रहता हूँ, दे देता हूँ, दुकान से मिल जाती हैं, मगर यहाँ आप फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, मगर कामिल यकीन रख लें कि आपको डिप्रेशन है, कोई जिन नहीं है। और ये भी समझा दिया कि जिन्नात का इंसानों के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग मखलूक है, दूर रहते हैं, उनका आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा जायदाद का नहीं होता, ये धंधा है ये काम करने वाले आमिलों का, अगर वो आपके अंदर जिन्नात ना डालें और ना निकालें तो उनका रिज्क और पेट कैसे चलेगा। तो लोग जहालत की वजह से परेशान हाल होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, और मसाइल होते हैं, कई और तकलीफें होती हैं और उससे दौरे होते हैं, और अक्सर लोग कम इल्मी की वजह से वो जाते हैं उन दूसरों के पास, तो वो जो नमाज पढ़ाता है पंचगाना, वो समझते हैं कि मर्ज का भी वो इलाज बता देगा। हर बंदे का एक अपना काम है, तो वो फिर जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं गरीब लोगों की। होता क्या है कि किसी तकलीफ की वजह से उसका अमन छिन गया, उसका अमन नहीं रहा, उसने सारों का अमन छीन लिया, सारा खानदान अमन से महरूम हो गया। ये है, तो अमन होता है मन में, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में, औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जानो आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, कि अगर दिल को इत्मीनान मिल जाए, इसका मतलब है मन को अमन मिल जाए तो सारा जिस्म सुकून में आ जाता है। मन को अगर अमन नसीब हो जाए तो इंसान के जाहिर और बातिन के जितने अंग हैं, जितने एस्पेक्ट हैं उसके, सोच के, अमल के, फिक्र के, बिहेवियर के, लेन देन के, दूसरे के साथ बर्ताव करने के, हर शय पर अमन हो जाती है पूरी जिंदगी, और वो अमन रिफ्लेक्ट करता है उसकी जिंदगी से,
چھن کر پھر اوروں تک پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا تعلق رکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے.